हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, और जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं वहां पे बेल आइकन आता है उसको ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन बेल आइकन जो है उसको क्लिक नहीं किए तो प्लीज़ उसको क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोज़ हम यहाँ से अपलोड करें आपके पास पहुँच सके। सो अब जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मास्टर डिग्री लेवल पे। मेरे ख्याल से ये हर एक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर डिग्री में ये जो आप बोले ये सिलेबस है और एक पेपर है बेसिकली, और ये है क्या, टोपोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट यू बोल सके आप, मेरे हिसाब से तो ये रियल का ही एक पोर्शन, एक एक्सटेंशन है टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, सो यहाँ पे समझने की बात है कि टोपोलॉजी होता क्या है। सो आपको बताऊं, अगर आप मास्टर डिग्री में हैं और अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप अगर, सो मैं आपको बोलूंगा टोपोलॉजी जो एक जो ये पूरा पेपर है या पूरा कॉन्सेप्ट आप बोलिए, ये केवल दो जो आप बोलेंगे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग 11 या 12 लेवल के मैथमेटिक्स पे सीखे हैं उन्हीं पे बेस्ड है। मतलब क्या हुआ, वो अगर कॉन्सेप्ट ये जो मतलब जहाँ से टोपोलॉजी, जिसको पूरा टोपोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड है। नंबर वन वो क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी आप देखेंगे पूरा पूरा टोपोलॉजी सेट थ्योरी पे बेस्ड है। सो सेट थ्योरी अगर इसको अगर आप अभी भी अगर थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है सेट थ्योरी पे, तो आप 11th या 12th लेवल की कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पकड़िए और वहां पे जाके जो है सेट थ्योरी पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड होना चाहिए अगर आप टोपोलॉजी को समझना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट जिस पे ये बेस्ड है, मैं बोला था दो ही कॉन्सेप्ट, तो एक सेट थ्योरी और दूसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या, फंक्शंस। आप देखेंगे कोई भी पूरे टोपोलॉजी की बात करिए आप, डेफिनेशन से लेके यहाँ पे भी जैसे हम लोग मेट्रिक स्पेसेस में लिमिट पॉइंट्स पढ़े थे, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स, उसके बाद फिर आगे कॉन्सेप्ट जैसे आगे बढ़ेंगे आप, कॉन्टिन्यूटी, होमियोमॉर्फिज्म, उसके बाद फिर कनेक्टेड जो सेट्स या स्पेसेस की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट स्पेसेस की बात करते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट आपने मेट्रिक स्पेसेस में पढ़ा है सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। सो सारे ये जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताया कि जो हमारा ये सिलेबस में होता है मैक्सिमम, सो उन सब कॉन्सेप्ट्स में पढ़ने की बात करें अगर, तो दो ही कॉन्सेप्ट्स हमारा जरूरी है फंडामेंटल, जिसको अगर हम कॉन्सेप्चुअली साउंड है तो टोपोलॉजी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सो आप प्लीज दो कॉन्सेप्ट्स को आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप टोपोलॉजी, तो दो कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर सीखें। नंबर वन क्या है, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं सेट से रिलेटेड, सेट थ्योरी से रिलेटेड, आपका सबसेट्स क्या होते हैं, फिर जो उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, डिराइव सेट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आपको सीखना है वहाँ पे। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है आपका फंक्शन से, आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका चाहिए यहाँ पे। सो इन सब जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो आप टोपोलॉजी में जरूरत पड़ेगी, मैं आपको डिस्कस किया, आपको बताया। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी। सो फ्रेंड्स, टोपोलॉजी होगा क्या, मैं रिलेट करूंगा ग्रेजुएशन लेवल पे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैट्रिक स्पेसेस। सो मैट्रिक स्पेसेस में क्या होता था, अगर एक्स डी हम लोग बोलते हैं ना पेयर वाइज ना एक्स डी, तो जहां x क्या हुआ करता था, एक नॉन एम्प्टी सेट हुआ करता था, ठीक है, और d जो है आपका क्या हुआ करता था, एक फंक्शन है बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक फंक्शन। तो उस पेयर को मैट्रिक स्पेस बोलते थे अगर वो जो d जो है ना, जिसको मैं मैट्रिक फंक्शन बता रहा हूँ, वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता था। एग्जैक्टली उसी तरीके से टोपोलॉजी की अगर बात करता हूं तो यहां पे भी मैं पेयर वाइज बात करता हूं, ठीक है। सो यहां पे पेयर की बात करेंगे तो यहां पे भी एक क्या चाहिए, मैट्रिक स्पेसेस की तरह एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, और यहां पे भी हम उसको क्या लेंगे, मैक्सिमम बुक्स में आप देखेंगे एक्स से लेते हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है। सो अब आते हैं, आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया एक्स, ठीक है, अब क्या करेंगे, जो टोपोलॉजी इस सेट पे मैं टोपोलॉजी डिफाइन करता हूं, और वो टोपोलॉजी होता क्या है, जो सेट मैंने एक्स लिया ना उसके सबसेट्स का कलेक्शन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्लियर होना चाहिए, मैं एक नॉन एम्प्टी सेट लेता हूं एक्स, ठीक है, इसी के सबसेट्स का कलेक्शन होता है कोई टोपोलॉजी ऑन दिस सेट। और टोपोलॉजी का नोटेशन
अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे, मैं पहले बोल दूं, अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। टोपोलॉजी के जो टाइप्स हैं जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी, तो इन सब के लिए अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। तो नोटेशन पे आप मत जाइए बिल्कुल। मैं यहाँ पे सिंपल सा टोपोलॉजी के लिए मैं जो नोटेशन यूज करूंगा, ये इटैलिक नंबर है और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाउ। तो मैं बार बार टाउ बोलूंगा और आप किसी और बुक में देखेंगे तो किसी बुक में हो सकता है के लिख दिया, किसी बुक में और कुछ लिख सकता है। सो नोटेशन पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट की बात बोलता हूं। मैं एक नॉन इंफिनिटी सेट लिया एक्स, ये टाउ जिसको मैं बोल रहा हूं ये होगा क्या, इस एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन। बस इतना समझिए, इस एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन, ठीक है ना, सच दैट ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सच दैट ये टाउ, टाउ क्या है, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। तो ये टाउ जो है तीन सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर वो तीन कंडीशन को अगर ये टाउ सेटिस्फाई करता है तो हम इस टाउ को बोलते हैं इस एक्स पे क्या, ये टोपोलॉजी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? सो टोपोलॉजी टाउ क्या होता है, कोई भी नॉन इंपिटी सेट लीजिए उस पे टोपोलॉजी टाउ होता क्या है, एक्स के सारे, एक्स के जितने पॉसिबल सबसेट्स आप बनाइए तो एक्स के सबसेट्स, पॉसिबल ऑल पॉसिबल नहीं, आप सबसेट्स की बात करिए तो एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है टाउ, ठीक है ना। तो इस टाउ को मैं अगर टोपोलॉजी बोलूंगा अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो अब वो कंडीशन क्या होंगे, पहला कंडीशन ये होता है कि इस टाउ में जो है ना, टाउ है क्या, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन। तो एक्स का सबसेट्स की बात करें तो हम जानते हैं सेट थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कोई भी सेट लूंगा उसके दो सबसेट ऑलवेज होते हैं, क्या, एक तो इंपिटी सेट और दूसरा वो सबसेट्स, इन्हीं को हम क्या बोलते थे, ट्रिवियल सबसेट्स या इम्प्रॉपर सबसेट ना। तो पहला कंडीशन ये है कि फाई इंपिटी सेट या नल सेट और एक्स जो खुद जो सेट ले रहा है एक्स, वो क्या होने चाहिए, इस टाउ के क्या होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आता हूं वन बाय वन, जो मैं लिखा हूं आपको एक्सप्लेन करते हुए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जो लिखा हूं यहां पे। सो देखिए मैंने क्या लिखा, जो आपको बोला एक्स को जो है नॉन इंपिटी सेट होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, ये जो टाउ जिसको मैं टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा हूं, ये क्या लिखा है, बी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। सो टोपोलॉजी डिफाइन करने के लिए जो ये टाउ लिख रहा हूं इसको क्या होना चाहिए, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन, यहां तक लिख दिया, सच दैट ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, ये, और ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मेंबर्स, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला कंडीशन आपको बोला ये टाउ एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है ना, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस टाउ को मैं बोलूंगा इस एक्स पे क्या है, टोपोलॉजी है। पहला कंडीशन आपको बताया, इसके मेंबर्स में क्या क्या आना चाहिए, पहला कंडीशन एक तो इंपिटी सेट आना चाहिए और खुद जो सेट मैं एक्स ले रहा हूं ये दोनों इस टाउ के क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए, मेंबर मतलब एलिमेंट्स होने चाहिए। सो वही मैं लिखा हूं, फाई बिलोंग्स टू टाउ एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स? अब आते हैं दूसरा कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि इस टाउ का कोई भी दो मेंबर्स लू, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स लू, एलिमेंट्स क्या होंगे, इस एक्स के क्या है, सबसेट्स। सो टाउ का कोई भी दो मेंबर्स लू, उनका इंटरसेक्शन जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, टाउ में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, मैं टाउ का कोई भी दो एलिमेंट लूंगा उनका इंटरसेक्शन अगेन जो है टाउ में आना चाहिए, टाउ के बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। सो वही मैं लिखा हूं, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ। अब इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, दो कोई भी दो एलिमेंट लेना है, तो मैं ओ वन और ओ टू दो एलिमेंट लिया, ठीक है, इस टाउ का, तो ये कंडीशन क्या है, इनका इंटरसेक्शन। सो ओ वन इंटरसेक्शन ओ टू क्या आना चाहिए, इस टाउ का भी क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, अब आते हैं थर्ड, थर्ड कंडीशन ये है कि मैं इस टाउ का कितनों भी फाइनाइट, अगर उसमें सेट्स है फाइनाइट, इनफाइनाइट अगर उसके एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट। सो आर्बिट्ररी जिसको आप बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, एनालिसिस, अब आप मास्टर डिग्री पे हैं, मास्टर लेवल पे, तो ये समझ में आता है आपको इंडेक्स सेट का कॉन्सेप्ट। सो कोई भी आर्बिट्ररी अगर मैं एलिमेंट्स लेता हूँ इस टाउ का, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उनका यूनियन भी क्या हो सकता है, उस क्या होना चाहिए, उस टाउ में बिलोंग करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू क्या, टाउ। ये कॉन्सेप्ट सही है? कोई भी मैं लूंगा, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे मैं इंडेक्स सेट यूज किया हूं,
ये आई लिखा है ना ओ आई, और यहाँ पे फॉर एवरी आई, कोई भी इंडेक्स सेट की मैं बात करता हूँ, सो अगर ये मैं लेता हूँ तो इनका यूनियन भी क्या आना चाहिए, हर एक ओ आई का या यूनियन जो होगा टाउ का एलिमेंट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? सो तीन कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में तीन कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एक्स कोई भी नॉन इंफिनिटी सेट लीजिए आप, टाउ जो है एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, तो इस टाउ को मैं बोलूंगा एक्स पे टोपोलॉजी है अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहला कंडीशन क्या है कि फाई इंफिनिटी सेट और खुद वो सेट एक्स जिसपे मैं टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा हूं, दोनों क्या होने चाहिए, इस टाउ के मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है इस टाउ का कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, ठीक है ना, उनका इंटरसेक्शन भी क्या आना चाहिए, इस टाउ में आना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है मैं आर्बिट्ररी कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लेता हूं टाउ का, या नंबर ऑफ मेंबर्स बोलता हूं, फाइनाइट भी हो सकते हैं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो उनका यूनियन जो है अगेन क्या आ जाना चाहिए, टाउ में आ जाना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो मैं बोलूंगा कि टाउ जो है एक टोपोलॉजी है किस पे, ऑन द सेट एक्स, तब मैं बोलूंगा टाउ जो है टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो डिफिनेशन है आपको समझ में आया। सो यहां पे फिर से मैं रिकॉल करता हूं, यहां पे पहला कंडीशन क्या है, फाई और एक्स को मेंबर होना चाहिए टाउ का। दूसरा जो कंडीशन है यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इंडेक्स सेट की बात करें तो मैं हमेशा क्या ले रहा हूं, फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टाउ का लेके उनका इंटरसेक्शन दिखा देना है आपको क्या है, टाउ में। लेकिन तीसरा कंडीशन जो अंतर है सेकेंड और थर्ड में, ये आर्बिटरी है, आर्बिटरी मतलब मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी टाउ का ले सकता हूं, अगर उसमें है तो उनका यूनियन भी क्या आना चाहिए, टाउ में आना चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ। सो फिर से मैं रिकॉल करूंगा, एक्स कोई नॉन इंफिनिटी सेट लिया आपने, उसका उस जो एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन को मैं टाउ लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर टाउ आपने लिख दिया तो इस टाउ को मैं बोलूंगा इस सेट एक्स पे क्या है, एक टोपोलॉजी है अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन क्या होता है, इंफिनिटी सेट और एक्स खुद जो है उस टाउ के मेंबर्स हो जाएं। दूसरा जो सेट, दूसरा जो कंडीशन है, कोई भी दो मेंबर्स लूंगा इस टाउ का, उनका इंटरसेक्शन जो होगा टाउ में होगा, तो यहां पे क्या होता है, फाइनाइट इंडेक्स सेट लेते हैं आप, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सो यहां पे कोई भी दो आप लीजिए, दिखा दीजिए कि उनका इंटरसेक्शन जो है टाउ में है। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है क्या, आर्बिट्ररी मैं ले रहा हूं, अगर टाउ में मे बी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, और उनका यूनियन क्या होना चाहिए, उस टाउ में आना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टाउ जो है आपका एक्स पे क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मैट्रिक स्पेसेस में आपने किया था, अगर डी अगर मैट्रिक हो जाया करता था एक्स पे, तो एक्स डी को हम क्या बोलते थे, मैट्रिक स्पेसेस। तो एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे एक्स नॉन इंफिनिटी सेट लिया, अब टाउ आपने एक टोपोलॉजी ले लिया जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी तो टोपोलॉजी होगा। सो आप x नॉन इंफिनिटी सेट लिए, टाउ एक टोपोलॉजी हो गया, तो जो पेयर बनेगा x टाउ उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। सो यहां पे लिखा भी हूं द पेयर x टाउ, ध्यान दीजिएगा इस पेयर को, टाउ टोपोलॉजी हो गया, x नॉन इंफिनिटी सेट है, तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस, इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? अब आते हैं जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगा, अनलाइक मैट्रिक स्पेसेस। मैट्रिक स्पेसेस में ओपन सेट्स का डिफिनेशन आपको पता है, इंटीरियर के टर्म में डिफाइन करते थे ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। टोपोलॉजी में बहुत आसान है ओपन सेट्स, टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ओपन सेट्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली उस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स। आप ध्यान दीजिएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स क्या होते हैं, सिंपली जो टोपोलॉजी टाउ है ना उसी के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उस टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? सो वही मैंने यहां पे लिख दिया है, द मेंबर्स ऑफ टाउ, द मेंबर्स ऑफ टाउ आर कॉल्ड, द मेंबर्स ऑफ टाउ आर कॉल्ड टाउ ओपन सेट्स। इनको हम समटाइम्स आप बुक में देखेंगे टाउ, टाउ इसलिए लगा देते हैं कि इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, या सिंपली जो है आप क्या बोल देते हैं, ओपन सेट। सो फ्रेंड्स ये एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से बनाना है, मैट्रिक स्पेसेस जस्ट आप पढ़ के आए होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। सो यहां पे जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ओपन सेट्स कुछ नहीं होते हैं, क्या होते हैं,
इस टाउ के सिंपली क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, क्या, ओपन सेट्स। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है आपका टोपोलॉजिकल स्पेस का, बेसिकली टोपोलॉजी क्या होती है आपको समझ में आया, ठीक है, ये डिफिनेशन जो है वो समझ में आया, टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होते हैं ये समझ में आया, और जो ओपन सेट्स होते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, टोपोलॉजी के जो मेंबर्स है ना, एलिमेंट्स जो है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस के, जो टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है उसका ओपन सेट्स या सिंपली टाउ ओपन सेट्स। सो आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया, सो आप अगर इसको प्लीज नोट डाउन करना चाहते हैं सो इसको वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स इस को वीडियो को आपने पॉज करके आप अगर लिखना चाहते थे तो आपने लिख लिया है। सो फ्रेंड्स यही मैं बोलूंगा कि फिर से कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो आता है उसको क्लिक करें, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और अगर बेल आइकन जो आया उसको क्लिक नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए, आप उसको देख सकें। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे टोपोलॉजी क्या होती है और किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स क्या होते हैं, इनके डिफिनीशंस की अगर मैं बात बोलता हूँ ये आपके कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम कुछ टोपोलॉजिकल स्पेसेस एग्जांपल के तौर पे मैं हम लोग करेंगे, बट ये लेक्चर फिनिश करने से पहले एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि नोटेशन से कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे टोपोलॉजी के लिए टाउ यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी बुक में देखेंगे तो टोपोलॉजी के लिए और कोई नोटेशन के हो सकता है, कुछ लोग यू लिखते हैं, तो उससे मत जाइए, बस कॉन्सेप्ट जाइए टोपोलॉजी क्या होता है। नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, हम भी करेंगे, जो एग्जांपल्स करेंगे कहीं पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो आता है स्पेशल काइंड उसको डी से, इटैलिक डी से, इनडिस्क्रीट को इटैलिक आई से, यूजुअल टोपोलॉजी को यू से, सो नोटेशन हम यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पे भी नोटेशंस अलग अलग टोपोलॉजीज के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं, सो नोटेशन पे मत जाइएगा, बट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेता हूँ उसका कोई भी अगर मैं जो सबसेट का कलेक्शन है ना वो टोपोलॉजी होता है, हर एक टोपोलॉजी के लिए जो तीन कंडीशन ये तो सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। अब उसके अलग अलग टाइप्स सेट्स कौन ले रहे हैं, किस तरीके से मैं जो टाऊ है उसके एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ उस पर बेस्ड जो है अलग अलग टोपोलॉजीज के जो काइंड जिसको बोलिए या टाइप्स बोलिए वो आते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको समझा पाया ये कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जो एग्जांपल्स को टोपोलॉजी के, वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच।